Hi Muskan. Hi Chetna, nice to meet you. Same here. Congratulations, you are entering in Big Boss house. Yeah, I'm super excited. Are you excited that I mentioned it to Of the course, we are excited to watch you and क्या क्या करने वाली हैं आप. चलिए बताइए इसके बारे में, एक एक करके बताइए क्या क्या धमाल होने वाला मैं लोगों से बहुत नहीं लड़ूंगी. लोग मेरे से है. पाते हैं. क्यों नहीं लड़ेंगी, बिग बॉस हाउस तो जाके वहां पे जो गेम होता है वहां पे लड़ना ही पड़ता है, फिर आप जीतेंगी कैसे. आई बिलीव इन रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग. आज मैं ये बिलीव कर रही हूँ. शो में जाके क्या बिलीव हो वो अलग बात है. आई डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. ओके, मुस्कान, जो भी बिग बॉस में जाता है उसका एक क्लेम टू फेम होता है, बहुत पॉपुलर होता है लोगों के बीच, फैंस के बीच, कुछ ना कुछ होता ही है. आपका क्या है वो क्लेम टू फेम. आई थिंक पीपल लाइक माई आजाद खुला जीने का तरीका. पीपल डू से दैट, वो कहते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो देम कि ऐसी जिंदगी निकल सकती है. इट्स नॉट दैट हार्ड, यू नो. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज अलग चीजें इन लाइफ. सो वो दिखाने में मजा आएगा. और आपका एम क्या है बिग बॉस में, बिग बॉस के हाउस में क्या जाने का, क्योंकि एक एक बहुत बड़ी चुनौती है बिग बॉस के हाउस में जाना, बहुत सारी फाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें रिवील होती है. तो कुछ आप एम लेकर जा रही हो, वहां पे कोई मकसद है आपका जाने का, कि वहां से आने के बाद आपका कुछ चेंजेस दिखे लोगों के बीच, या कुछ भी जो भी आपका एम. आई थिंक दो मेन एम है. एक तो ये है कि आई जस्ट वॉन्ट सी खुद के मैं इस पार्ट ऑफ लाइफ से निकल सकती हूँ कि नहीं. यू नो वी ऑलवेज हम देखते हैं बिग बॉस, बट ये नहीं सोचते कि खुद उस सिचुएशंस में कैसे होंगे. एंड द अदर थिंग इज आई जस्ट वॉन्ट रिप्रेजेंट द यूथ. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिप्रेजेंट माई पीपल दैट लुक अप टू मी. ओके, एंड आर यू लाइक ओके, सो करण जौहर इज होस्टिंग द शो, बट अर्लियर सलमान वाज यूज्ड टू होस्ट द शो, सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट और मिसिंग सलमान इन दिस सीजन. I never met Salman, so I'm not really missing it. I'm just excited. Jo bhi ho, it's good. I just hope that they are good to me and I am good to them. You know, I think it's a balanced relationship inside. I hope, yeah. Like, मेरे को कभी लगा नहीं था कि ये कुछ ढोंग है. मतलब ढोंग है, मतलब कोई फेस है. सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी. तो उसके लिए आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दैट कि यू कैन बी वेरी सीरियस, वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी इन लाइफ. एंड व्हाट इज योर एम टू एंटर इन बिग बॉस हाउस. लाइक कुछ तो होगा ना कि बिग बॉस में जा रही हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, खास रीजंस कुछ हैं आपके. आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग पीपल, आई सी माई मैसेज में पढ़ती हूँ और वो कहते हैं कि हमारे लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो. सो आई जस्ट वॉन्ट देम टू सी कि आई एम नॉट श्योर किस चीज के लिए इंस्पिरेशन, पर अगर लाइफ में आप कहीं भी पहुंचना चाहते हो, एनी थिंग इज पॉसिबल. कुछ भी पॉसिबल है. मैंने बहुत सारी इंटीमेट चीजें भी डिस्कस की हैं लोगों के साथ कि आई बीन थ्रू दिस, बट इट डजंट मैटर. यू जस्ट गेट थ्रू थिंग्स एंड जो तो जो भी तुम्हारा ड्रीम हो, छोटा हो बड़ा, यू कैन गेट देयर. सो आई वांट टू रिप्रेजेंट दैट पॉपुलेशन. मैं उनके लिए जाना चाहती हूँ. ओके, बट यू नो सोच कर कुछ और जाते हैं और होता कुछ है और है. सो उसके लिए आप कितनी प्रिपेयर है, बहुत फाइट होती है, आपने अगर सीजंस देखे तो फाइट भी बहुत होती है. फाइट किसी चीज के लिए हो, आई होप लाइक फाइट हो तो उसमें कुछ वैल्यू हो, कुछ सब्सटेंस हो, तो इट्स फाइन. लाइफ में चलते फिरते मेरी भी फाइट होती है. आई एम रियली बैड विद लाइक अथॉरिटी फिगर्स, वैसे ही मेरा गुस्सा निकल आता है. तो इट्स ओके, गुस्सा आए इट्स फाइन, इमोशंस आए फाइन. मतलब झाड़ू के पीछे ना आए, जस्ट आई जस्ट होप यू नो, लाइक पोचे के पीछे ना आए, कुछ सब्सटेंस हो उसके पीछे, फिर ठीक है. एक काम जो आप हेट करती है, यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट, बट यू नो बिग बॉस में सब कुछ करना पड़ता है, टॉयलेट साफ करने से लेकर खाना बनाना, किचन साफ करने, एवरीथिंग. एक ऐसा काम जो आप पर्सनली यू जस्ट डोंट लाइक इट. आई वुड प्रॉब्ली से खाना बनाना, लाइक मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मेरे को खाना बनाना आए, पर वो आता नहीं है. तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कुछ मतलब बकवास ही खाने को मिलता है. बिकॉज वो जैसे बेसन का, एक बार आलू बना तो बेसन ही रह गया था सिर्फ, तो बेसन ही खाया मैंने. तो आई रियली होप कि वहां पे देर और आसमिन में किसी को खाना नहीं मिलेगा उस रात. तो वो आई डोंट वॉन्ट टू मेक इन देयर. ओके फाइन. एंड आई जस्ट आई सॉ द न्यू प्रोमो ऑफ बिग बॉस एंड वेरी इंटरेस्टिंग इट इज. मतलब करण ने तो बहुत कुछ रिवील किया, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि कहीं किसिंग सीन दिख रहे हैं तो थोड़ा ब्लर है, बट सेमी न्यूड दिख रहे हैं, वो क्या है एग्जैक्टली exactly, बहुत सारी मिस्ट्री है. इन सब चीजों के लिए आप कितनी प्रिपेयर है. और ये ओटीटी पे है, तो चैनल पे क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट ओटीटी पे आप बहुत कुछ दिखा सकते हो. सो आर यू ओके फॉर दैट, आर यू रेडी फॉर दैट. आई थिंक ऑनेस्टली माई मोरल्स आर माई मोरल्स, वट पीपल्स मोरल आर पीपल्स मोरल. अगर किसी ने शो पे जो भी करना है, आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजिशन टू जज.
एंड आई होप कि थोड़ा सा सेम मेरे लिए भी हो, बट आई थिंक इट्स वेरी मोमेंटरी. जो आपने देखा है वो ही मैंने देखा है. सो द वे यू रिएक्टेड वाज आल्सो द वे आई रिएक्ट. आई वाज लाइक ब्लर, परे करो मुझे भी देख ले दो कि होगा क्या शो में. सो आई वाज आल्सो जस्ट सरप्राइज्ड एज यू आर. Okay, fine. Okay, so how's your journey so far, and how is it looking for the after Big Boss or after entering in Big Boss house, which changes aayenge? I think my journey has been 10 out of 10 so far, and I do believe my life will go on this way. I don't think ki jo hurdles hain, they make up your life. So I was excited. Main bahut khush hu Big Boss ke liye. I think it's a great platform to be on, but main ye nahi kahungi ki meri life puri engulf ho jayegi is pe. I think abhi bahut कुछ देखना है करना है लाइफ में. सो आई एम ग्लैड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. ओके, कोई वीकनेस आपकी जो बिग बॉस में आप थोड़ा डरेंगे कि ये बाहर ना आ जाए? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बिग बॉस में बाहर आती है, पर्सनल लाइफ स्पेशली. मेरी आ चुकी है, मेरी पर्सनल लाइफ आ चुकी है बाहर. लाइक पीपल वो डिस्कस होती है, आई मीन टू से कि जो पहले होता है किसी का अफेयर, किसी का डिवोर्स, किसी का ब्रेकअप, फैमिली, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ना चाहती हूँ. मेरे डिवोर्स के बारे में पता लग गया, सीरियसली बहुत पंगा हो जाएगा. आई एम जस्ट किडिंग, इट्स ओके. आई एम कॉन्फिडेंट. आई थिंक दैट आई एम नॉट रियली डन एनीथिंग ऐसा मेरी लाइफ में जिसके बारे में डर जाऊंगी बात करने की. तो अगर किसी ने करनी है कर लो. आई नो व्हाट टू से, आई नो हाउ टू हैंडल माय लाइफ, इट विल बी फाइन. एंड व्हाट अबाउट करण जौहर? ही इज द न्यू होस्ट, फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू होस्ट बिग बॉस. सो आर यू एक्साइटेड टू मीट हिम? आई मीन जो वीकेंड पे या जो भी इसका फॉर्मेट होगा जहां पे करण आप लोगों से शायद बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे. मेरी गुड लक, मेरी ऑल द बेस्ट टू हिम एंड उसकी ऑल द बेस्ट होपफुली टू मी. बट ही इज अ फिल्म मेकर, लाइफ में मेरे को भी फिल्म मेकर ही बनना है. सो आई होप दैट वी गेट टू लर्न एज वी गो अहेड के हु इज ही एंड यू नो हाउ ही डज हिज वर्क. ओके, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चंस कि इसमें पब्लिक का पनिशमेंट भी इन्वॉल्व है, तो ये बहुत एक ओपन एरिया है जहाँ पे पब्लिक भी डिसाइड करेगी कि आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी. सो टेल मी अबाउट दैट. अरे पब्लिक पता है बहुत ट्राई करती है मेरे को पनिश करने की लाइफ में. रियली दे रियली करते तो है कोशिश, बट आई डोंट नो उनका कितना लेवरेज है इस शो में. मैं हमेशा कहती हूँ जितना तुम्हें करना है तुम करो, जितना मैं करूंगी. अगर इफ यू आर द स्लैप मी देन आई द स्लैप यू. सो एंड इन द सेंस दैट उनको अपनी कोशिश करने दो, मेरी भी फुल कोशिश है. इट विल बी फाइन, वी विल डू अ गुड बैलेंस. वेल दैट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जाइए बिग बॉस में और धमाल मचा के आइए. ओके, आई विल सी यू व्हेन आई एम बैक. श्योर, वी विल सी यू अगेन. बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू.